ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 को सेकंड सेटिंग में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आइए आपके समय को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स गुना वाई बराबर 2 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या है बताना है। यानी दोनों का योगफल 3 दिया हुआ है और फिर दोनों का गुणनफल जो है 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को अपने से मान रख कर और तब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी एक्स का वैल्यू हम 2 रखेंगे और वाई का वैल्यू 1 रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी को यहाँ रखेंगे यानी एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी सेटिस्फाइड कर गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको बताना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताना है। तो एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे, 2 का कितना हो जाएगा क्यू माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखेंगे, 1 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। 8 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होगा बताना है। यानी आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है यानी प्रिंसिपल बताना है। तो आइए देखते हैं, यानी रेट कितना दिया हुआ है 6% और टाइम कितना है 10 वर्ष और SI कितना हो जाएगा यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 120 दिया हुआ है। तो आइए यानी SI निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाता है R इंटू टी, यानी R गुना टी करेंगे तो साधारण ब्याज आता है। यानी 6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 क्या आ गया आपका SI यानी साधारण ब्याज आ गया। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 दिया हुआ है, यानी 60% बराबर क्या हो जाएगा 120। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू हो जाएगा 60 दुना कितना हो जाएगा 120, यानी 1 का वैल्यू 2 आ गया। तो आपके क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100 होता है, यानी 100% का वैल्यू बताना है। तो 1 का वैल्यू 2 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 2 करेंगे तो आपका 200 जो है राइट आंसर यानी मूलधन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 7^21 प्लस 7^22 प्लस 7^23 प्लस 7^24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा बताना है। तो आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। यानी 7^21 है तो 7^21 हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा 7^21 निकल गया तो 7^ क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि 21 है तो 21 निकल गया तो क्या बचेगा 7^0 बचेगा। दूसरा है 7^22, तो 21 निकल गया है तो इसका पावर कितना बचेगा 1 बचेगा। प्लस 7^23 है, 21 निकल गया तो कितना बचेगा 7^2 बचेगा। प्लस 7^24 है, 21 निकल गया तो 7^ कितना बचेगा 3 बचेगा। और किससे भाग देना है 25 से, तो 25 से भाग दे देंगे। 7^21 बाहर है इससे कोई मतलब नहीं है, 7^21 लिखेंगे, अंदर में है 7^0। तो किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 7^0 1 हो जाएगा। प्लस 7^1 है तो 7 हो जाएगा। प्लस 7^2 है तो 7^49 हो जाएगा। प्लस 7^3 है तो 7^3 कितना हो जाता है 343 हो जाता है। 25 से भाग देना है, बाहर है 7^21 इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अंदर देखेंगे यानी सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। 400 में 25 से भाग देंगे तो 400 में 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी 0 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 55/11 प्लस ब्रैकेट में है 18-6 गुना 9, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, यानी सबसे पहले हम इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं।
तो 11 से 55 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 पचे 55 यानी 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद में प्लस है और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 18 माइनस 6, तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 लिखेंगे। और यहाँ क्या है गुना 9 है। एक स्टेप और नीचे आएंगे, सबसे पहले हम प्लस और गुना में क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे क्योंकि बोर्ड मास्क के नियम में BOD MAS बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ओ यानी अप यानी का यानी गुणा को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 और 5 कितना हो जाएगा, 113। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ए माइनस 1/a बराबर 7 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या है बताना है। तो आइए देखते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो ए माइनस 1/a बराबर कितना दिया हुआ है, 7। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा और a कितना हो जाएगा a, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1/a² बराबर 7 कितना हो जाएगा 49। अब आइए ए स्क्वायर a से a कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा बराबर 49 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a² इधर 2 प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 2 51 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू कितना आ गया, 51 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 51, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे